राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। वाराणसी से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द हो गया है। नामांकन रद्द होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए तेज बहादुर ने प्रशासन पर तानाशाही रवैये अख्तियार करने का आरोप लगाया है। अब तेज बहादुर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। नामांकन रद्द होने के बाद सपा प्रत्याशी तेज बहादुर यादव ने कहा, मेरा नामांकन रद्द हुआ जो पूरी तरह से गलत था। प्रशासन का तर्क है कि जो सबूत मांगा गया था वो आप पेश नहीं कर पाए, जबकि हमने जो सबूत मांगे गए थे वो शाम को 6:15 पर मांगे गए थे। मैंने कहा कि मैं कोई अंबानी या अडानी नहीं हूँ जो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और हमारे सबूत भी आ गए, लेकिन मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया जो कि तानाशाही रवैया है। तेज बहादुर यादव के वकील राजेश गुप्ता का कहना है कि हमने सभी सबूत दिए, लेकिन बावजूद इसके हमारा नामांकन रद्द कर दिया गया। हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले में वाराणसी के डीएम का कहना है कि पिछले 5 सालों के भीतर राज्य या केंद्र सरकार की सेवा से बर्खास्त किए गए व्यक्ति को चुनाव आयोग से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, जिसमें कहा गया हो कि उसे निष्ठाहीनता या भ्रष्टाचार के कारण बर्खास्त नहीं किया गया। सर्टिफिकेट सुबह 11 बजे से पहले देना था, वो नहीं दे पाए, इसलिए नामांकन खारिज कर दिया गया। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।